Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. टोरंटो में तारीख वतन मजदूरों को मुस्तकिल इमिग्रेशन स्टेटस देने के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की मदद की जाए। कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के बावजूद एक नया क्लाइमेट प्लान जारी है। कनाडा के वजीर माहौलियात का कहना है कि हुकूमत अपने वादे के मुताबिक काम कर रही है। टोरंटो पुलिस ने चंद रोज कबल लापता होने वाले 83 साल शख्स की लाश ढूंढ ली है। 83 साल शख्स गुज़िश्ता हफ्ते लापता हुआ था। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,40,649 हो गई। ट्रंप को भेजे गए जहर से भरे पैकेट की बर्वक निशानदेही करके कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया। व्हाइट हाउस इंतजामिया का दावा सामने आ गया। मेक्सिको के सदर के इस्तीफे का मुतालबा लेकर अवाम सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत में खेमे गाड़ लिए। ट्रैफिक की रवानी में खलल वाके होने लगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,12,74,954 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 9,65,643 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। टोरंटो में तारीख वतन मजदूरों को मुस्तकिल इमिग्रेशन स्टेटस देने के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि कोरोना वायरस से बहाली के मंसूबे में तारीख ने वतन कारकुनों को हुकूक फराम किए जाएं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में तारीख ने वतन मजदूरों को मुस्तकिल इमिग्रेशन स्टेटस देने के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि कोरोना वायरस से बहाली के मंसूबे में तारीख ने वतन कारकुनों को हुकूक फराम किए जाएं। माइग्रेंट्स वर्कर्स अलायंस फॉर चेंज नामी तंजीम की जानिब से निकाली जाने वाली रैली ऐसे वक्त में निकाली गई जब वजीर आजम 23 सितम्बर को खिताब करने जा रहे हैं, जिसमें वजीर आजम से तवक्को की जा रही है कि वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस से माशी तौर पर मुतासर होने वाले अफराद की मदद जारी रखेगी। मुंतजमीन का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से कनाडा में तारीख ने वतन मजदूरों को मुश्किल का सामना करना पड़ा और वो जरूरी हुकूक हासिल नहीं कर पाए, और ये हुकूक तभी हासिल होंगे जब सबको मुकम्मल तौर पर इमिग्रेशन की हैसियत हासिल हो। उनका कहना था कि हम ऐसा मुआशरा नहीं चाहते जिसमें कुछ लोगों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों की तरह बर्ताव किया जाए। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के बावजूद एक क्लाइमेट प्लान जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के बावजूद एक नया क्लाइमेट प्लान जारी है। वजीर माहौलियात का कहना है कि हुकूमत ने इस मंसूबे को किसी तौर भी पसे पुश नहीं डाला। कनाडा के वजीर माहौलियात जोनाथन विल्किंसन का कहना है कि हुकूमत अपने मंसूबे पर इसी तरह अमल पैरा है जैसा गुज़िश्ता साल के इंतखाबात में वादा किया था। उनका कहना था कि हमारा मकसद बेहतर मनसूबाबंदी करना है ताकि कनाडा के 2030 तक माहौलियाती तब्दीली के अहदाफ को पूरा किया जा सके। जब मैंने वजारत का हल्फ लिया इसी दिन से इस पर काम कर रहा हूँ। उनका मजीद कहना था कि तमाम कैनेडियन शहरियों को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हुकूमत अपनी तवज्जो वबाई सूरत हाल पर मरकूज कर रखी है, लेकिन हुकूमत माहौलियात पर भी काम जारी रखे हुए है। टोरंटो पुलिस ने चंद रोज कबल लापता होने वाले 83 साल शख्स की लाश ढूंढ ली है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस ने चंद रोज कबल लापता होने वाले 83 साल शख्स की लाश ढूंढ ली है। टोरंटो पुलिस ने बताया कि एक 83 साल शख्स जिसके गुज़िश्ता हफ्ते लापता होने की इत्तला मिली थी। पुलिस ने बताया कि चंद्रलाल गांधी की लाश ब्राम्पटन के इलाके में अहम अलामत के बगैर मिली थी। लाश को दुश्वार गुजार इलाके में दरियाफ्त किया गया जो आसानी से काबिल रसाई नहीं था। पुलिस का कहना था कि बदकिस्मती से जिस इलाके में वो पाया गया वो एक बहुत ही दलदल वाला इलाका था जो पैदल चलने की भी काबिल नहीं था। हमें दूसरे शवाहद मिले जिनकी मदद से लाश को निकाला गया। गांधी को आखिरी बार कैपलिंग
एवेन्यू और स्टील्स एवेन्यू वेस्ट एरिया में मंगल को शाम 5 बजे देखा गया था। उनके लापता होने की इत्तला के कुछ दिन बाद पुलिस ने 23 डिवीजन में एक कमांड पोस्ट कायम की और उनकी तलाश में मदद के लिए गांधी की वीडियो जारी की। पुलिस ने कहा ब्राम्पटन के मगरबी किनारे में गांधी नजर आए थे, लेकिन वो नहीं जानते कि उनका सफरी रास्ता क्या था और इसमें बदगुमानी का कोई इशारा नहीं है। अभी अंदाजा नहीं कि उनकी मौत किस तरह वाकई हुई थी। तफसीलात पोस्टमार्टम के बाद जारी की जाएंगी। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9217 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 140649 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9217 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 67542 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5802 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमुई तादाद 46849 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2827 है। अल्बर्टा में 16381 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 255 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 7842 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 223 है। व्हाइट हाउस इंतजामिया ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेजे गए जहर से भरे पैकेट की बरवक्त निशानदेही करके कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि व्हाइट हाउस ने बरवक कार्रवाई करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप को जहर देने की खतरनाक कोशिश नाकाम बना दी। मीडिया के मुताबिक रवा हफ्ते व्हाइट हाउस में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए रसीन नामी जहर का एक पैकेट कब्जे में लिया। ये पैकेट सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया था। अमरीकी अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि FBI और सीक्रेट सर्विस इस जहरीले पैकेट की तहकीकात कर रही है। इस पैकेट में जहरीला रसीन मौजूद है। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि पार्सल कनाडा से भेजा गया था। कनाडा की पुलिस ने ट्रंप को लिखे गए खत और पार्सल के मामले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। इसके अलावा जहर की मौजूदगी की तस्दीक के लिए टेस्ट किए गए। रसीन एक इंतहाई जहरीला मुरक्कब है, जिसे पहले भी मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसका इस्तेमाल पाउडर, दानेदार या धुएं की शक्ल में हो सकता है। अगर इसे निगल लिया जाए तो मैदा और आंतों में मतली, उल्टी और अंदरूनी खून बहने का सबब बनता है। मैक्सिको में मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत की सड़कों पर खैमे लगा लिए। लोग सदर के इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मैक्सिको में मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत की सड़कों पर खैमे लगा लिए। लोग सदर के इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। मैक्सिको में एहतजाज में शरीक अफराद ने सदर को मुल्क में बढ़ती हुई माशी गिरावट और कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए किए गए नाकाफी इकदाम को जिम्मेदार ठहराया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में सैकड़ों अफराद सड़क पर ही खैमे लगाकर बैठ गए, जिससे ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ गया। मैक्सिको में चंद रोज कबल खवातीन के मुजाहरे भी बड़े पैमाने पर जारी रहे। 8 रियासतों तक फैले इन मुजाहरों में खवातीन सिन्वी तशद्दुद और कोरोना के खिलाफ नाकाफी इकदाम के खिलाफ एहतजाज में शरीक हुई। खवातीन मुजाहिरीन बैरियर तोड़ती हुई इस प्लाजे में दाखिल हो गईं, जिसमें गवर्नर एक मीटिंग में मसरूफ थे। वाज़ेह रहे कोरोना वायरस से मैक्सिको में अब तक 73,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इतनी ज्यादा तादाद में हलाकतों और नाकाफी सहूलियातें अवाम को मुश्तइल कर दिया है। रवा हफ्ते यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में कोरोना वायरस के एक ही दिन में सामने आने वाले केसेस की तादाद 45,000 से ज्यादा हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,12,74,954 तक जा पहुंची है, जबकि इस मुजी वायरस से हलाकतें 9,65,643 हो गई। रवा हफ्ते यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में कोरोना वायरस के एक दिन में सामने आने वाले केसेस की तादाद 45,000 से जायद रही। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,04,122 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 70,05,686 हो चुकी है। 1,38,00,000 से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना से 87,933 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 54,91,410 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहाँ ये वायरस 1,36,900 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 45,44,630 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 19,489 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 11,09,600 हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस ने 4,979 अफराद की जिंदगी का खात्मा कर दिया, जबकि यहां 3,50,621 कोरोना टेस्ट रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,885 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,29,754 तक जा पहुंची है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू
only at Tag TV. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.